भुवनेश्वर मेफेयर आरंभ होइछि थाई फूड फेस्टिवल जहां असंता 16 तारीख पर्यंत मेफेयर लागू नै चलिबो। ए फूड फेस्टिवल को उद्घाटन करले से बिना अरोरा थाई एम्बेसडर माई पैट्रट हंगटंग मेफेयर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऋषि पुरी ए सहित ए थाई फूड फेस्टिवल ले विभिन्न प्रकार फूड मिलुथवा बले फेमस थाई फूड मथरु तुमचाय कैंकुंग मासमान काई भली फूड उपलब्ध रही। खाद्य प्रेमी मैंने आज थाई फूड रो मजा ने सहित हाथ पांतर यह सुजोग पाइवर धन्यवाद जनाई। रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि जो उड़ीसा का लोग वो भी थाई फूड खाए और थाई फूड के बारे में नॉलेज हो, तो इसलिए हम लोग ने क्या कि थाई फूड बनाने का, क्योंकि बेस्ट प्लेस इन भुवनेश्वर मेरे ख्याल से तो मेफे है, क्योंकि यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। चिकन इन ग्रीन करी, फिर रॉ पपाया सैलेड, कच्चा पपीता होता है उसका सैलेड बनते हैं, और चिकन इन ग्रीन करी का मतलब चिकन को थाई ग्रीन करी में कुक करते हैं, और उसमें ये हर दिन मिलेगा यहाँ पे? हाँ, रोज मिलेंगे आपको। और एक्चुअली दिस इज माय सेकंड टाइम हियर, आई केम टू ओडिशा, फर्स्ट टाइम वाज इन अक्टूबर व्हेन आई केम विद अदर आसियन एम्बेसडर टू इंडिया। दिस टाइम आई कुड हैव मोर टाइम टू एक्सप्लोर ओडिशा। We know that Odisha and Thailand has very close history through the ancient trade, and of course that this is the east coast of India. So we see the future that from the old ancient trade route, perhaps we can see more of the trading and investment between Thailand and Odisha and India through the Odisha connections and connectivity to other parts of India. उड़ीसा के लोगों को एक खाने का पैशन है, एक शौक है, जितना यहाँ पे ईटरीज हैं वो शायद और किसी स्टेट में इससे कहीं कम है। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक ऑथेंटिक फूड फेस्टिवल शुरू किया है जो थाई फूड फेस्टिवल है, और उसके लिए हमने हमारी शेफ़ को दिल्ली से फ्लाई डाउन किया है, शेफ़ वीना अरोड़ा, और थाई एम्बेसडर हर एक्सीलेंसी, उन्होंने इस फंक्शन को इनॉग्रेट किया है। ये आज से शुरू हो करके 16 तारीख तक रहेगा, लंच और डिनर दोनों में ओपन रहेगा। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक थाई डिशेस मिलेंगी, जिसके इंग्रेडिएंट्स भी कुछ हमें थाईलैंड से इंपोर्ट करने पड़े जो यहाँ नहीं मिल रहे थे।